हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, परिवहन विभाग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है, जिसमें हम ऑटो से जुड़ी 35 सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकते हैं। दोस्तों, अब हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से जुड़े बहुत सारे काम घर बैठे कर सकते हैं। इनके लिए हमें RTO जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे लर्निंग लाइसेंस बनाना हो, RC को डाउनलोड करना हो, RC को रिप्रिंट कराना हो, या दोस्तों परमिट करना हो, या डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस या डुप्लीकेट RC हमें मंगवानी हो, तो इसके लिए हम कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन सी सर्विस का लाभ हम घर बैठे उठा सकते हैं। तो सर्विस को देखने के लिए सबसे पहले आपको परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब दोस्तों आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। परिवहन से जुड़ी 35 सेवाएं फेसलेस, यहाँ पर कौन कौन सी सेवाएं फेसलेस है वो यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके पहले एक वीडियो देख लेते हैं। अरे पापा, ब्रेकफास्ट नहीं बेटा, लेट हो गया ना, तो परमिट रिन्यू नहीं होगा। हेलो सर, आज हाफ्टे चाहिए था जी। लाइसेंस में सरनेम अपडेट कराना है। थैंक यू सर। प्रिया जल्दी कर, कॉलेज नहीं जाना। मम्मी आज कॉलेज नहीं, RTO में लर्नर्स लाइसेंस के लिए जाना है। लेकिन ये सब तो घर बैठे ही हो सकता है। कैसे? परिवहन से जुड़ी 35 सेवाएं अब हैं फेसलेस। अब घर बैठे परमिट रिन्यू करवाएं। स्पीड पोस्ट से होगी अब नए सर्विस लाइसेंस की डिलीवरी। बिना छुट्टी लिए ऑनलाइन लर्नर्स लाइसेंस पाएं। अधिक जानकारी के लिए parivahan.gov.in पर विजिट करें। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से गवर्नमेंट ने हमें ऐड के माध्यम से समझाया कि बहुत सारी सर्विसेज का लाभ हम अपने घर बैठे ले सकते हैं। अब कौन कौन सी सर्विस का लाभ हम अपने घर बैठे ले सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन सर्विसेज का। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर दो ऑप्शन दिखाई गए हैं, व्हीकल रिलेटेड सर्विस और दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस। अगर आप व्हीकल की ऑनलाइन सर्विस के बारे में जानना चाहते हो तो इस पर क्लिक करना है। पहले मैं व्हीकल की दिखा देता हूँ आपको, तो इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी स्टेट हो आपका वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा और कौन कौन सी सर्विस का लाभ हम अपने घर बैठे उठा सकते हैं, जिनके लिए हमें RTO जाने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे व्हीकल रिलेटेड सर्विस है और यहाँ पर परमिट सर्विस है। व्हीकल रिलेटेड सर्विस में सबसे मेन और सबसे बड़ी सर्विस है, जिसमें हम ओनरशिप चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपना व्हीकल बेचना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही उसे दूसरे मालिक के नाम कर सकते हैं, हमें RTO जाने की जरूरत नहीं है। हम डुप्लीकेट RC ऑनलाइन ही मंगा सकते हैं, हमारे एड्रेस पर आ जाएगी। RC में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारी सर्विस नीचे दिखाई गई है। RC पर्टिकुलर है, तो यहाँ पर इन सभी सर्विस के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर परमिट की सर्विस है, परमिट ट्रांसफर कर सकते हैं, परमिट की डेट अपडेट कर सकते हैं, उसे रिन्यू कर सकते हैं, फ्रेश परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डुप्लीकेट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और परमिट को सरेंडर कर सकते हैं। यानी व्हीकल से रिलेटेड जो भी आपकी ऑनलाइन सर्विस होगी, जिनके लिए आपको RTO जाने की जरूरत नहीं, वो सब यहाँ पर आपको दिखा दी जाएगी। अगर दोस्तों आप कोई और स्टेट सेलेक्ट करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब, कोई और स्टेट सेलेक्ट करते हैं, तो उन स्टेट में जो जो सर्विस ऑनलाइन अवेलेबल होगी वो दिखा दी जाएगी। हो सकता है दोस्तों ये सभी सर्विस आपकी स्टेट में अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हो। अब देखते हैं दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कौन कौन सी सर्विस का हम लाभ ऑनलाइन ले सकते हैं। फिर मैं दोबारा से इस वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है और आपकी जो भी स्टेट हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर दिल्ली पे क्लिक करता हूँ। तो दिल्ली पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जो भी सर्विस ऑनलाइन है वो यहाँ पर दिखा दी जाएगी। जैसे हम अपने लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन बना सकते हैं बिना RTO जाए, लेकिन पहले हमें RTO में जाकर एग्जाम देना होता था और वहाँ पर फोटो क्लिक करवाना होता था। उसके बाद दोस्तों हम नीचे देख सकते हैं कि हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डुप्लीकेट मंगा सकते हैं। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो चुका है या खराब हो चुका है तो उसको दोबारा से रिप्रिंट करके आप अपने एड्रेस पर मंगा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में दोस्तों एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को अपने रिन्यू कर सकते हैं, उसे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं यदि दोस्तों आप किसी और RTO में से ट्रांसफर करना हो। अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में बैज अपडेट कराना चाहते हैं तो वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। मान लो आपका ड्राइविंग लाइसेंस पहले बाइक का बना हुआ था और आप उसे कार का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर उसे ऑनलाइन बनवा सकते हैं। DL एक्सट्रैक्ट यानी DL की डिटेल निकाल सकते हैं, DL में नाम बदल सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों नीचे ये भी लिखा है इश्यू ऑफ कंडक्टर लाइसेंस, यानी कंडक्टर लाइसेंस को भी आप ऑनलाइन बना सकते हैं। कंडक्टर लाइसेंस में एड्रेस चेंज कर सकते हैं, कंडक्टर लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं और कंडक्टर लाइसेंस को डुप्लीकेट भी अप्लाई कर सकते हैं और हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस में डेट ऑफ बर्थ भी ऑनलाइन बदल सकते हैं। हो सकता है दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी ये सभी सर्विस आपकी स्टेट में अभी ऑनलाइन अवेलेबल ना हो, तो कुछ दिन में सभी स्टेट में ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल से जुड़ी ये 35 सर्विसेज थी, जिनका लाभ आप अपने घर बैठे उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।